What is the way to bring back old system of inculcating samskar education? How to fight the people who are trying to destroy culture or way of life or way of living or way of worshipping? संघर्ष के उसमें तो यही कहते हैं, हमारे यहाँ पर एक पुरानी कहावत है कि संघर्ष जब होता है तो केवल इसका महत्व नहीं है कि आप राइट है या रॉन्ग है, आपके पीछे शक्ति कितनी वो महत्व की है। और इसलिए अगर डिस्ट्रॉय करने वाली थॉट्स हैं उनके पीछे ताकत ज्यादा रही तो उनका इन्फ्लुएंस होगा, अगर अच्छाई की ताकत ज्यादा रही तो उनका इन्फ्लुएंस होगा। तो एक बात की तो मुझे आवश्यकता लगती है कि समाज में जो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना युग का, सतयुग, द्वापर, त्रेता, तो एक तो समाज जीवन के अंदर और चेंज करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही उसका शॉर्टकट है कि गुड प्रैक्टिसेस की और मॉडल्स और ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। वही एक मार्ग हो सकता है। और दूसरी जो बात है कि प्रेजेंट टाइम इसलिए ये ज़्यादा महत्व का है कि अपने यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि अच्छी बातें बहुत कही जाती हैं लेकिन जब समाज कुछ तकलीफ पाने लगता है तो रिसेप्टिविटी में चेंज आ जाता है। जैसे मुझे याद है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो 25 इयर्स पहले जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे तो जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं वो मजाक उड़ाते थे, अरे बोले हम 3 yield ले रहे हैं, हम इतना प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो ये साइंटिफिक जो एग्रीकल्चर है। लेकिन ये साइंटिफिक एग्रीकल्चर अमेरिका से आई, 67 के आसपास अपने यहाँ पर आई, यील्ड तो बढ़ी लेकिन अमेरिका में विद इन 50 ईयर्स लेक्स एंड लेक्स लैंड जो है वह बंजर हो गई, वो उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो गई। हिंदुस्तान के अंदर 10,000 ईयर्स से फर्टिलिटी बनी हुई है, तो किसान चला, लेकिन लास्ट 40 ईयर्स में अब जो हो रहा है कि जमीन की ताकत समाप्त हो रही है। और दुर्भाग्य से ये जो अर्थ के प्रति दृष्टि है इसने आज हमारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब चीजों के अंदर इंजेक्शंस, दवाएं, यानी कभी का अपने यहां मनुष्य को कहते थे ना कि जीवन से जिसको नुकसान हो सकता है पैसे के लिए मैं उसको करता हूं, मुझे कुछ नहीं लगता है। और उसका जो परिणाम होने लग रहा है उसके कारण से, जैसे मैंने कहा कि आज अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो रिसेप्टिविटी में बहुत बड़ा चेंज है। और इसलिए मुझे लगता है कि गुड थिंग्स, गुड मॉडल्स, आज जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, छोटी जो 8-8 महीने की बच्ची के साथ रेप होता है, जिस ढंग की परिस्थितियां बन रही हैं, उस समय हर चिंतनशील व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ चेंज करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे समय में अगर हम एनजीओज हैं, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, समाज जीवन के अंदर इन वैल्यूज को बढ़ाने वाले मॉडल्स, इसकी दिशा के अंदर हम लोग अगर प्रयत्न करते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आएगा। राजस्थान के अंदर एक न्यूज छपी, एक छोटी सी खेती थी एक आदमी की, उसने 7 lakh rupees की और एक वेजिटेबल उसने उससे प्राप्त किया। तो उसको जब पूछा कि तुमने कैसे किया ये, तो उसको कहा कि वो उसको वेजिटेबल को इंजेक्शन देते थे क्या जो एक रात में उसको 4 गुना बढ़ा देता है, तो बोले हाँ उसके बिना कैसे संभव है। तो फिर उसने कहा कि अपने घर में खाने के लिए भी वही लेते होंगे, बोले नहीं 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 नहीं, अपने घर के लिए अपन ने थोड़ा सा अलग कर रखा है। तो मेरा क्या कहना है कि इस ये जैसे चला है ऐसा ही थॉट्स के लेवल पर है, ऐसे ही बाकी लेवल पर है। तो एक तो मुझे लगता है कि विद इन आवर कंट्री, आवर वैल्यूज, आवर कल्चर, इसके आधार के ऊपर मुझे लगता है कि और प्रचार प्रसार है, उस तरह का लिटरेचर है, उस तरह के मॉडल्स हैं,
और इसकी एक व्याप्ति बढ़ाना इसमें से और इसको हम पार कर सकेंगे. और जो आपने कहा कि असहिष्णु विचार है, इनटॉलरेंट विचारों के कारण से दुनिया के अंदर आज जो टेररिज्म से लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ से और फिर रिवर्स होगा. जब पृथ्वी समिट हुआ था अमेरिका में और जब अल गोर वहां पर डिप्टी ये थे प्रेसिडेंट, तो अल गोर ने उसका इनॉग्रेशन किया था. तो इनॉग्रेशन में अल गोर ने एक बात कही, वी हैव बीन ऑन रॉन्ग ट्रैक फॉर द लास्ट 300 ईयर्स, इट इज टाइम टू रीथिंक एंड टर्न टू ईस्ट फॉर गाइडेंस. मुझे लगता है कि आज चाहे वो रिलीजियस फील्ड में हो, चाहे वो नेचुरल पर्यावरण की प्रॉब्लम के रूप में हो, या सोसाइटी के अंदर ये जो डीकल्चरलाइजेशन हो रहा है उसके रूप में हो, इन सभी विषयों के अंदर मुझे लगता है कि एक नए व्यू को लेकर प्रैक्टिकल मॉडल्स हम खड़े करने की दिशा के अंदर सोचेंगे तो अंधेरा कितना भी घना हो, आखिर वॉल्स के अंदर में से ही डोर्स निकलते हैं. तो चिंता की कोई बात नहीं है. और आज की सोसाइटी की रिसेप्टिविटी में बड़ा अंतर है. पॉजिटिव थिंकिंग के लोग मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल चीजों को हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आएगा.